बागेश्वर पीठ के प्रमुख धीरेन कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका है। महिलाओं और लड़कियों के साथ मारपीट के बाद शालिग्राम का एक और नया कांड सामने आया है। गुंडागर्दी पर उतारू शालिग्राम अब पीड़ित परिवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी दे रहा है। धीरेन शास्त्री के प्रभाव के चलते पुलिस भी शालिग्राम के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने से बच रही है। बागेश्वर इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम अब भी अपनी से बाज नहीं आ रहा है। दो दिन पहले उसने जिस तिवारी परिवार के साथ मारपीट कर खून खराबा किया था, वो उस परिवार को लगातार अब भी धमका रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने अब अपने पूर्व दोस्त जीतू तिवारी को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी दी है। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई। शालिग्राम ने तिवारी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया जिसमें उसने लिखा कि 72 घंटे में तेरा खेल खत्म, लॉरेंस बिश्नोई को जानता ही होगा, सर्च कर लेना। इसके बाद धमकी से डरकर पीड़ित परिवार ने शालिग्राम गर्ग की शिकायत बमीठा पुलिस थाने में की। इसके बावजूद पुलिस धीरेन शास्त्री के प्रभाव में नजर आ रही है। हमारे घर, हम लोग घर गए थे तो हमारे वहाँ पे आए कुछ लोग, उन्होंने धमकी देते हुए गाड़ी से स्पीड में आए, बोले हमारे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं तो मैं भी उठा लेंगे, और शालिग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तो मैं 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे लॉरेंस बिश्नोई को, तुम तो अच्छे से जानते हो ना, उनसे उनके कॉन्टैक्ट हैं या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, ना ही कहीं रह पा रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस हमारे घर गई है, ना ही हमारे पुलिस ने हमारे सुरक्षा की है कुछ। वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि हमारे साथ रहो, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वजह यही है कि उनको कह रहे थे कि तो हमारी बात यहाँ से वहाँ लीक करते हो। हमने कहा हमारी कॉल डिटेल निकालो, उन्होंने कॉल डिटेल निकाली, उसमें कुछ नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं निकला, तुम आ जाओ हमारे साथ रहो। उनके वैसा कैसे, एक बार आपने हमें निकाल दिया, अब कह रहे हो दोबारा हो। कर्म बहुत से करते हैं, उन्होंने बहुत से कुकर्म किए हैं, उनके बहुत से साक्ष्य हैं हमारे पास, समय आने पर वो भी दिखाया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं, ये नहीं सुधरते हैं, तो ये भी दिखाया जाएगा। इसीलिए तो नहीं कर रहे ना कुछ, धाम का नाम बदनाम ना हो। धीरेन कृष्ण शास्त्री खुद उनको सपोर्ट करते हैं, उनके घर गए थे हम, उनसे मिलने गए थे, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकालो, 4 घंटे बैठे रहे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद वो मिले, हम परसों मिली थी हमें रात। उसके बाद आपने धीरेन कृष्ण शास्त्री महाराज जी के यहाँ गए, 4 घंटे उनके यहाँ बैठे रहे, इसके बाद वो मिले, उन्होंने कहा कि वो पागल हो चुका है, उससे दूर रहो, वो मार भी सकता है तुम्हें, कुछ भी कर सकता है। हमने उनसे कहा कि कहाँ जाएं हम, आप बताओ। घटना के पहले हम उनके यहाँ गए। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम ने अपनी गुंडा गैंग के साथ अपने पूर्व दोस्त जीतू तिवारी के परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया था। उसके बाद उसने देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी दी है। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी। शास्त्री के भाई और गैंगस्टर लॉरेंस के ताल्लुकात के बारे में पता करने के बजाय अब भी पुलिस के लोग शालिग्राम गर्ग को बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि शालिग्राम का व्यवहार लोगों से आदतन अपराधियों जैसा है। पुलिस को चाहिए था कि शालिग्राम को पकड़कर उसके और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता करती, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। छतरपुर एसपी ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि साइबर सेल इस मामले की जांच करेगा। पुलिस जांच के नाम पर धीरेन शास्त्री से जुड़े इस मामले को ठंडे वस्ते में डालकर इसे रफा दफा करना चाहती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।